बिहार के बेगूसराय में भीषण चोरी की घटना ने एक बार फिर जिलेवासियों की नींद उड़ा दी है। चोर ने कमरे को बाहर से बंद कर वारदात को अंजाम दिया है, जहां तीन कमरे को अपना निशाना बनाया और लाखों रुपए मूल्य के सोने के आभूषण सहित नगद लेकर फरार हो गया। यह घटना सहायक थाना सिंघौल क्षेत्र के बागबारा गाँव की है। घटना की खबर फैलते ही आसपास के गांव से आए लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोग जिले में लगातार घट रही चोरी की बढ़ते मामलों को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने से नहीं चूक रहे थे। पूर्व मुखिया रामविलास चौधरी ने बताया कि उनकी पत्नी को जिस घर में सो रहे थे, चोरों ने उस कमरे को बाहर से बंद कर दिया और खड़गपुर रेलवे अस्पताल के चिक मेट्रोन पद पर कार्यरत उनके पुतोहू चित्तरंजन चौधरी की पत्नी उषा देवी एवं हैदराबाद में फार्मा वैज्ञानिक पद पर कार्यरत पौत्र शुभम सोनू के कमरे को खंगाल कर लाखों रुपए के सोने की जेवरात लेकर फरार हो गया। उपस्थित शुभचिंतक में किसी ने 20 वर्षों में इसी घटना इनकार कर रहे थे तो कोई अपनी उम्र भर की बात कर रहे थे। गृहस्वामी सपुर मुखिया ने बताया कि लगभग 20 से 25 लाख रुपए की जेवरात एवं नगद लेकर चोर ने अपना हाथ साफ किया है। उन्होंने बताया कि दो कमरे में हुई चोरी की रकम की जानकारी उनके पुतोहू एवं साइंटिस्ट पोते के आने के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि उनके कमरे में कितने रकम की और कौन कौन सामान गायब है। बिहार माध्यमिक शिक्षा संघ के संयुक्त सचिव डॉक्टर सुरेश प्रसाद राय ने बताया कि बेगूसराय में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, लोग अमन चैन और शांति चाहते हैं, सरकार को चाहिए कि पुलिस से तंत्र मजबूत करे। उन्होंने कहा कि लोगों का भरोसा सरकार और पुलिस से उठता जा रहा है। बीएनपी न्यूज के लिए अवधेश कुमार की रिपोर्ट। पर नजर पड़ता है तो सब सामान अस्त व्यस्त है और ग्वालियर सबका टूटा हुआ है और पलंग पर का जितना बिछावन था फेंका हुआ था, क्योंकि पलंग के अंदर भी बॉक्स होता है आजकल, तो बॉक्स सबको भी सर्च किया है, कुछ देख करके अपना गए। हाँ तो आगे कहीं कुछ छाए। अच्छा हाँ, लेकिन कोई लिखित भी नहीं लिए थे। 20 भर सोना और 25,000 रुपया का चोरी किया है और दो गोडेज का हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि वो हमारे पुत्र बधू की है और पोता की पत्नी का है, वो दोनों बाहर रहते हैं। अब उनके गोडेज में क्या सामान था इसे हम देखें, कि ऑर्नामेंट का डिब्बा सब बाहर में फेंका हुआ था, अब उसमें कितना का ऑर्नामेंट था ये हम एक्टर जब तक वो नहीं बताते हैं तब तक बताना मुश्किल है। तो लगभग हम समझते हैं 20-25 लाख का लगभग केवल जेवरात जेवरात चोरी हुआ है। ये घटना के का सिचुएशन है और हम उसी समय से पुलिस हमारे प्रतिनिधि एक समिति है वो आए, वही पुलिस को फोन किए, कईयों बार फोन करने के बाद 6 बजे एक जैसे 6 बजे के जमींदार जो होमगार्ड के जवान के साथ आए और केवल देख करके इसे मुआयना करके चले गए, जैसे दर्शक नहीं आता है उसी रूम में देखे और चले गए। और जबकि हमारे यहाँ मनसात गांव का आदमी 4 बजे से आना शुरू किए, वो अननोन आदमी आ रहे हैं जा रहे हैं लेकिन पुलिस अभी तक नहीं आई। बहिंगमा के आदमी आ गए, कारी चक्के आदमी आ गए, पचम्मा से आ गए, हमारे मुखिया जी आ गए, फतेहपुर के इनके ग्रामीण दस्तक जो सुरचिन तक थे, अभी तो SP साहब को फोन लगाए लेकिन उठाए ही नहीं। अब आम जनता कहाँ जाए, ये तो 100 के लिए सभी को नंबर दे दिए हैं लेकिन कोई दुर्घटना के बाद जितने बड़े पदाधिकारी हैं फोने नहीं रिसीव करते हैं, तो आम जनता कहाँ जाए। वो तो कुछ मीडिया वाले हैं जो थोड़ा हाईलाइट करते हैं मैसेज को। मेरा नाम रामविलास चौधरी है, पूर्व मुखिया बगवारा पंचायत। अभी पता नहीं हमें सुतल रही है, सवेरे में 3 बजे उठ लिए तो हमारा रूम में तो केवारी बंद कर देते हैं, बंद कर देते हैं तब सब सामान उमान देखे छे सब कुछ कुछ आवाज बुझलिए पहले ही, लेकिन हमारा विश्वास नहीं कि हाँ कुछ फटफुट करे हमें तैसा ही निकल लिये हमें तला अथी केवारी बंदे रहें तब हल्ला कर लिए इनका। Thank you.
जिले के अंदर क्राइम का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, चाहे वह चोरी की घटना हो, चाहे वह मर्डर की घटना हो या अन्य प्रकार के क्राइम की जो घटना हो। आज की घटना से हम लोग हतप्रभ हैं कि होली जैसे संवेदनशील समय में प्रशासन को और चौकस रहना चाहिए और घटनास्थल के निरीक्षण के बाद जो निष्कर्ष पर हम लोग पहुँचे हैं, कितनी निश्चिंतता के साथ उसने ये स्वामी की स्वामिनी को बाहर से कुंडी लगाकर बंद करके और उस घर में अंजाम दिया है, सारे जेवरात या अन्य जो ऐसे बेशकीमती चीज़ हैं उसको ले गया है, यह अत्यंत दुखद है और प्रशासन के लिए एक चुनौती है। मात्र 2-3 दिन पहले बीहट में एक शिक्षिका के घर में जो भीषण घटना घटी है, चोरी नहीं बल्कि वो डकैती की घटना है, वहाँ मारपीट भी हुई है। हमें तो लगता है कि यहाँ भी जो घटना घटी है, यदि जागरण होता, बाहर से कुंडी नहीं बंद किया जाता, तो बीहट जैसी दूसरी घटना यहाँ का अंजाम यहाँ दिया जाता। लेकिन कुंडी लग जाने के कारण वह घटना नहीं है। मैं जिला प्रशासन और खास करके पुलिस अधीक्षक महोदय से मांग करता हूँ, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के संयुक्त सचिव होने के नाते, कि इस घटना को और बीहट की घटना को प्राथमिकता के आधार पर वो लें और संबंधित थाना अध्यक्ष को ये निर्देश दें कि अविलंब इस घटना का उद्भेदन वो करे। लोगों का विश्वास घटता जा रहा है। एक ओर जहाँ बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी और उप मुखिया तारकिशोर प्रसाद जी के नेतृत्व में सरकार विकास के प्रति संवेदनशील है, अपराध के मुद्दे पर और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लोग त्रस्त हैं और लोगों का जो विश्वास है वह विश्वास उठता जा रहा है। जब तक प्रशासन विश्वास उठ रहा है सरकारी तंत्र से, विश्वास उठ रहा है पुलिस महकमे से, यदि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति बार बार होती रहेगी, जैसी यदि इसका उद्भेदन नहीं होगा तो विश्वास उठना तो लाजमी है। प्रशासनिक तंत्र को थोड़ा सा चुस्त और दुरुस्त करें और जनता का विश्वास जीतें। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर सुरेश प्रसाद राय है, मैं बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का संयुक्त सचिव हूँ। जो हमारे गाँव में हम लोग अब 64 साल का उम्र हुआ कभी नहीं सुने थे और बहुत बड़े पैमाना पर चोरी ये कहा जाए, डकैती तो नहीं कहा जाए लेकिन चोरी कहा जाए, चोरी इतना भयंकर हुआ जो सुन करके रोंगटा खड़ा हो जाता है। परमानंद चौधरी, हम एडवोकेट हैं सिविल कोर्ट बेगूसराय।